हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली गेट फ्रेश। एंड आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मोदी केयर न्यू लॉन्चेस सोप वॉश का सोप रिव्यू, जो अलग अलग फ्लेवर में लॉन्च हुई है लास्ट मंथ या आई थिंक 1 या 2 मंथ हो चुके हैं, मुझे याद नहीं है। बट इसका रिव्यू शेयर करने से पहले ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ मोदी केयर सोप वॉश का व्हाइट पर्ल सोप एंड ग्लिसरीन एंड हनी बार का रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। साथ ही उसका डेमो भी शेयर कर चुकी हूँ कि वो दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है। एंड साथ ही मेरा यह जो मेकअप लुक आप देख रहे हो, जो कि वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है, इसका भी मेकअप ट्यूटोरियल पोस्टेड है। तो इन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो गो एंड चेक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसी के साथ आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यह 4 डिफरेंट फ्लेवर में मेरे पास है। लाइम फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, सैंडलवुड फ्लेवर है एंड साथ ही एलोवेरा, नीम एंड तुलसी फ्लेवर है। तो इन सबका जो प्राइस है वो 30 रुपीज पर ईच है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चीप है। क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको एक मोदी केयर आपको एक बहुत ही बेहतरीन सोप अवेलेबल करवा रहा है। बट जब आप इसे मार्केट से परचेज करोगे तो यह 30 से भी कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगी, मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगी। एंड इसकी जो वेट है आई थिंक 100 ग्राम है। तो कुछ चीज़ें कॉमन है इन सब में, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, जैसे कि इसकी प्राइस एंड वेट। एंड साथ ही इसमें वेजिटेबल ग्लिसरीन का यूज हुआ है। सो यह सारे सोप 100% वेजिटेबल ग्लिसरीन से बनाया गया है। सोप यानी कि साबुन के मार्केट में जो वैरायटी आते हैं ना, वो एक तरह से आप मेजर करो तो वो 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। तो यह जो सारे सोप हैं वो फर्स्ट ग्रेड से बिलोंग करते हैं। रीजन आप कैसे पहचान सकते हो कि इसमें यह फर्स्ट ग्रेड में कैसे आता है, एंड मार्केट का जो सोप है वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ग्रेड के कैसे आते हैं? क्योंकि जनरली मार्केट में जो सोप आते हैं ना वो सेकंड या थर्ड ग्रेड के आते हैं, एंड कुछ ऐसे भी ब्रांड है जो फर्स्ट ग्रेड के भी सोप बनाते हैं, बट वो कॉस्टली होती है इसके अकॉर्डिंग। जैसा कि इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है, ग्रेड 1 TFM यानी टोटल फैट मटेरियल 76%। जिस सोप में इसकी TFM की जो परसेंटेज है वो जितनी हाई हो वह सोप उतना ही बेट है। अगर बात करें स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, तो जितनी नेचुरल चीज़ें हम इंटेक करते हैं, खाते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ठीक वैसे ही जितनी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम अपने स्किन, अपने हेयर पर अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हेयर के लिए भी अच्छा होता है। बट पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इतने बिजी शेड्यूल में आप ऑल टाइम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही यूज करो। तो अगर आपको ऐसे में एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो नेचुरल चीज़ों से बनी हो तो कौन यूज करना नहीं चाहेगा। तो ऑफ कोर्स मोदी केयर का जो यह सब न्यू लॉन्च जो सोप है जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को डाल करके इसे सोप फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे मार्केट में लाया गया है। तो फर्स्ट अगर बात करें तो इस लाइम फ्लेवर वाले सोप की बात कर रही हूँ। तो अगर आप एक बेहतरीन खुशबू वाले, स्मेल वाले सोप चाह रहे हो, साबुन चाह रहे हो, तो यह आपके लिए बहुत ही बेटर है। लाइम का यूज करके इसे बनाया गया है। में विटामिन सी होता है जो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड सही हो सकता है। बाहर से या कुछ इस तरह का लाइट ग्रीन येलो इस शेड में नजर आता है, एंड जब आप इसे ओपन करोगे तो अंदर से यह बहुत ही खूबसूरत इसी टाइप का कलर है, बिल्कुल ही लाइट ग्रीन सा कलर है इसका, जैसा मौसमी का कलर होता है। एंड इसकी स्मेल, बिलीव मी गाइस, आप इसे यूज करो, इसकी स्मेल के आप फैन हो जाओ, सीरियसली बहुत ही अच्छी स्मेल है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इस सोप की। सो जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है कि जब आप इसे यूज करोगे तो यह रिजुविनेट योर सेंसेस विद लाइम फ्रेग्रेंस, तो आपके सेंसेस को रिजुविनेट कर देता है विद लाइम फ्रेग्रेंस, मौसमी की खुशबू से। एंड इससे आपकी स्किन फ्रेश फील करेगी एंड साथ ही आपकी स्किन मॉइस्चराइज एंड रिवाइटलाइज्ड हो जाएगी। सेकंड जो है, जो ऑरेंज फ्लेवर है, तो ऑरेंज यानी कि संतरा, सो एक लाइम एंड संतरा दोनों एक जैसा ही है, बस थोड़े थोड़े डिफरेंस है। इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है संतरे में भी, एंड बाहर से तो यह ऑरेंज कलर है, बिल्कुल संतरे वाली कलर है, एंड जब इसे अंदर से ओपन करेंगे तो अंदर से भी यह कुछ इस तरह का बिल्कुल ही तो ऑरेंज कलर में यह अवेलेबल हो जाता है। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, वो एक संतरे की कटिंग वाली टॉफी आती है ऑरेंज कलर का, बिल्कुल ही संतरे का शेप में बना होता है, जिसे हम लोग बचपन में खाते थे, इनफैक्ट मैं अभी भी खाती हूँ। तो इसकी फ्रेग्रेंस सेम वैसे ही है। तो यह भी आपके स्किन से पॉल्यूशन, डर्ट्स को रिमूव करेगा, आपके स्किन को क्लीन करेगा एंड साथ ही आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा।
एंड नेक्स्ट जो सोप है मेरा फेवरेट सैंडलवुड फ्लेवर में है, यानी कि चंदन। चंदन आप सबको पता है कि हमारे चंदन हमारे स्किन के लिए लॉन्ग टर्म से सदियों से यूज होता आया है, हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है। बाहर से तो इस तरह का ऑरेंजेस येलोइश सी पैकेजिंग में है, अंदर से भी यह सेम चंदन का जो लकड़ी होता है जिस टाइप का कलर होता है लाइटली ब्राउन टाइप का, तो उसी टाइप का इसका भी कलर है। सोफवास मेंशन है एंड इसकी स्मेल मुझे इन दोनों की स्मेल पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। ऑब्वियस सारे अच्छे हैं बट अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग मैं इसे यूज करना चाहूँगी। चंदन यानी कि सैंडलवुड बेसिकली हमारे स्किन के टोन को इम्प्रूव करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सोप यूज करने से आपकी स्किन टोन चेंज हो जाती है, बट हाँ इसमें चंदन का यूज हुआ है तो जब आप इसे यूज करोगे तो यह आपके स्किन को अच्छी तरह से क्लींज करेगा चंदन के फ्रेगनेंस के साथ, चंदन के क्वालिटी के साथ। सो इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छा है, सो प्लीज़ गो फॉर दिस। एंड जो लास्ट है वो है सोफवास एलोवेरा नीम एंड तुलसी। तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इसे बनाया गया है। तो एलोवेरा नीम एंड तुलसी तो हमारे आयुर्वेद में लॉन्ग टर्म से यूज होता आया है, हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए। एंड साथ ही एलोवेरा तो एक बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है आपके हेल्थ, आपके स्किन, आपके हेयर के लिए। तो इसमें तीनों इंग्रेडिएंट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बाहर से तो यह इस तरह का वाइट कलर में आता है, अंदर से भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो अंदर से इसका कलर बिल्कुल ही लाइट ग्रीन कलर में है, बिल्कुल लाइट है। एंड इसकी फ्रेगनेंस मिक्स्ड स्मेल आ रही है इसके अंदर से, क्योंकि इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज हो रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि बेसिकली इसकी जो स्मेल है वो किस टाइप की है, आई डोंट नो। एलवेरा एज अ हीलिंग प्रॉपर्टी, एज अ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है एलवेरा में। एंड साथ ही नीम एंड तुलसी जो होती है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो यह आपके स्किन से डस्ट पॉल्यूशन को तो रिमूव करेगा ही, साथ ही अगर आपके स्किन पे किसी भी तरह का इरिटेशन या रिएक्शन होता है तो उससे भी आपके स्किन को जरूर प्रिवेंट करेगा, क्योंकि नीम एंड तुलसी तो अपना काम करेंगे ही। तो ओवरऑल यह सारे बहुत ही बेहतरीन सोप है, तो आप इसका यूज कीजिए। एंड साथ ही मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपको इन सब में से कौन सा सोप ज़्यादा बेटर लगा, किसकी फ्रेगनेंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। मेरी फेवरेट तो सैंडलवुड एंड लाइम है, आपकी फेवरेट कौन सी है? तो चलिए इसी के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। एंड साथ ही मेरा या रिव्यू वीडियो पसंद आया हो, मैं अच्छी लग रही हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए आए मेरे चैनल पर, देन नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे प्रेस कर दीजिए। एंड साथ ही छोटू सा जो नोटिफिकेशन बेल घंटी लटक रही है उसे भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, खुश रहिए।